मैं यहाँ पे काजू चिकन का सालन बने, ये तो बिरयानी बना हो लेते तो मैं काजू चिकन का सालन बने और खाना पका ली सादा और यहाँ पे सालन बने। ये प्याज हो गया, ऐसा बहुत ज्यादा हो गई थी तो प्याज है वो, तो मैं ऐसा ढीला ढीला बनाई, शेरवे के टाइप में बनाई इसको, खाने में खाना है बल्कि रोटी में खाते थोड़ा सूखा बनाती थी। तो मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दी, सालन बन गया था, सालन बन गया तो मैं इसमें हरा धनिया डाल दी, थोड़ा पुदीना डाल दी, डाल के खाना निकाल के पक गया, कोथमीर पुदीना डाल के 2 मिनट बना दी और बन गया सालन, खाना भी पक गया। अब दस्तर बिछाती हूँ मैं, नींबू का जूस अभी डाली मैं और हरा धनिया डाली तो इसलिए 5 मिनट बना पकाती हूँ इसको, उसके बाद निकालती हूँ खाना। फोटो ले, मैं यहाँ पे कतली बना रही हूँ तो हंडी बना के चढ़ा दी, इसमें प्याज मिर्ची नमक तेल हल्दी सब इसमें डाल दी, गोश्त चार डाली, प्याज डाली मैं इसमें 1 किलो गोश्त है और यहाँ पे दाल, ये प्याज भड़के थी तो रख दी, इसमें तुअर की दाल और कुल्फी की भाजी हरी मिर्ची है गला के रखी मैं उसको, तो ये पकने के बाद इसमें 2 टमाटर काट के डालती हूँ, ये अच्छे से भून लेके ये घोट के डालती हूँ और इमली का खट्टा डालती हूँ इसके अंदर। गोश्त गल गया था तो मैं टमाटर डाल के अच्छे से भून ली और यहाँ पे मैं कुल्फा दाल घोट के रखी थी तो इसके अंदर डालती, तो पतली बना रही मैं आज कुल्फे की भाजी भी। चूल्हा तेज कर दी, धीमे पे रख के मैं भून ली थी टमाटे अच्छे से गला के, इसके अंदर इमली का खट्टा डालती और खरिया पाक डाल के थोड़ा पका के निकाल लेती गरम मसाला डाल के, कोथमीर और खरिया पाक डाल के एक उबाल ले रही इसके अंदर, गरम मसाला भी डाली मैं इसके अंदर, इमली का खट्टा भी मत के डाली अभी, तो अच्छे से एक उबाल लेती हूँ इसको, फिर उसके बाद चिल्ला बंद कर देती हूँ। बन गई कतली, ऐसा करके रख देती हूँ इसको। मैं यहाँ पे मेथी तोड़ रही, मैं लेके थी मंगल मंडी से तो तोड़ के नहीं रखी थी, अब खेमे में डाल रही, थोड़ी डालती हूँ थोड़ी तोड़ के रखती हूँ मैं, जब इस तोड़ने का था मैं नहीं तोड़ी, ऐसे रख दी थी इसको, आज सुबह से भी काम करी मैं तो इसलिए आज भी मौका नहीं मिला, अब तोड़ लेके रख रही है, कल ही चलाई थी इसलिए अभी अच्छी है नहीं ख़राब हुई है भाजी, तो कल सुबह में खड़ी दाल बनाती हूँ मेथी की दाल, दाल इसमें मेथी की भाजी डाल के दाल भी बना सकते सुबह में मैं बनाती हूँ नाश्ते में, तो इसलिए पूरी अब तोड़ के रख देती हूँ, मेरे को वो दाल ही अच्छी दिखती मेथी दाल के पकाए तो, हरी मिर्ची या मेथी
दाल के खड़ी दाल बनाती मैं, मैंने बनाती, अम्मी बनाते थे ऐसा, तो मैं भी वही चीज देख के बनाती, अच्छा बनता बनके वो भी साले। मैं यहाँ पे आलू काट के डाल रही हूँ इसके अंदर, मेथी में डाल के एक साथ ही, दोनों आलू मेथी एक साथ धो के डाल देती हूँ, मेथी भी गल जाती है आलू भी गल जाती है, छोटे छोटे आलू ये, इसलिए टाइम लग रहा, तो छोटे उसमें एक में दो इंच कर देती। अब नहीं ली थी मैं ये, गैस से मंगल को लेके आई थी, कल नहीं खरीदी मैं आलू, है बोल के नहीं लेके आई, इतने खराब हो जाते फिर, ये खत्म हो गए तो ला ले सकते बोल के मैं नहीं ली, तो इसलिए ऐसे है छोटे है आलू, नहीं छोटे दिखे थे तभी मैं ले ली थी, साफ थे बोल के आलू, अब के भी साफ नहीं दिखे ऐसे थे, तो नहीं लेती थी मैं, ऐसे चारे आलू ज्यादातर ऐसे नहीं आ रहे, ये छोटे छोटे थे तो साफ थे बोल के ले लेके थी, तो 8 दिन हुआ ला के बोल के ऐसे झाड़ा उठ रहे इसके अंदर। ये टमाटर भी गल गए, प्याज भी गल गए, तो खीमा आधा तो बन भी गया, अब मैं इसमें आलू मेथी डाल के और 2 सीटी लगाती, उसके बाद हो जाता है। बाद में ऊपर से कोथमीर ला के दे रही हूँ। मेरी मम्मी किधर किधर चले गए, उसके अंदर चली गई थी उन्नी, मैं इसमें डाल के 2 सीटी और लगाती हूँ, आलू गल जाते, और खाना गरम करती हूँ, सुबह का छह सुबह में बने सो, इसलिए नहीं पका रही खाना भाई, रोटी भी है, खाली खीमा बना लेती हूँ, नहीं ज्यादा नहीं होता, इसको देखो पानी नहीं डाल रही मैं इसके अंदर, है खेले में पानी तो आलू इसमें गल जाते, इसलिए मैं इसका ढक्कन लगा, देखो यहाँ पे खीमा बन गया, मेरे को खिचड़ी खट्टा बनाने का था मगर देर हो गई बोल के मैं नहीं बने, खाली खीमा बने।